नमस्कार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सूबे की महिलाओं को अपनी भांजियां कहते हैं, लेकिन आज उन्हीं के सूबे में हालात ये हो गए हैं कि एक महिला हेड कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं है। कहने को तो सरकारी नौकरी कर रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ना तो उन्हें रहने लायक घर दे सका और ना ही सुरक्षा। हेड कांस्टेबल के अपने ही विभाग के लोग उन्हें लगातार धमकियां दे रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि अपना दर्द बयां करते हुए इस महिला हेड कांस्टेबल की आंखों से आंसू छलक पड़े। 3 दिन से चूल्हे में आग लग रही है, आप बताओ भैया क्या हमारे ऐसे कैसे चलता होगा? ड्यूटी भी कर रही है और कुछ नहीं कर रहा है, हमारी ये कंडीशन हो रही है। और ये आरा साहब जो चाह रहा है कि मर जाए कैसे, मुझे ये आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। पुलिस प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी ऐसी क्या गलती है जो मुझे ये इस तरीके से पीड़ित कर रहा है। ये मामला है मुरैना जिले के अंबा थाने का। इसी थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल मालती पराशर भले ही पुलिस विभाग में सरकारी ड्यूटी बजाती हूँ, लेकिन जरा एक नजर उस घर की हालत पर डाल लीजिए जहाँ ये हेड कांस्टेबल अपने बच्चों के साथ रहती हैं। छत से टपकता पानी, दीवारों पर पड़ी दरारें, टूटी छत, ये जर्जर मकान कब गिर जाए ये शायद उस हेड कांस्टेबल को भी नहीं पता होगा जो यहाँ रहती है। लेकिन वो भी क्या कर सकती है, सरकारी क्वार्टर तो होते ही ऐसे हैं। ऊपर से पुलिस लाइन में तैनात आरआई कृष्णपाल सिंह तोमर लगातार महिला को घर खाली करने की धमकी दे रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि वो घर छोड़कर जाएं कहां। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है मालती पराशर। किस थाने में पदस्थ हैं, क्या पोस्ट है आपकी? मैं प्रधान आरक्षक हूँ, कार्रवाई अम्बा थाने में पोस्टिंग है मेरी। क्या समस्या क्या आ रही है आपके मकान को लेकर? समस्या आ रही है जल भराव की, स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या समस्या? समस्या जी है साहब, मेरा पुराना क्वार्टर है, मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन उसमें कभी कोई रिकॉर्ड में नहीं रखी और मुझे बहला दिया जाता है। आज जो समस्या है कि बरसात का मौसम है और आरआई साहब ने रात को 11-11 बजे तक दो दो गाड़ी भर के पुलिस भेज रहे हैं। कचू जामे पुलिस में महिला है, अधिकारी और कचू कर्मचारी। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे अभी आप लोग रह रहे हैं, आपका कहना है सांप और अन्य कीड़े मकोड़े भी यहाँ निकलते रहते हैं, कैसे आप लोग रहते होंगे, कैसे यहाँ जीवन? हम ऐसे ही रह रहे हैं मजबूरी में, साफ छुट्टी मिलती नहीं है और कोरोना काल में आ रहा ही कह रहे हैं कि खाली कर दो इसको। आपके जो पुलिस अधीक्षक हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, उनको आपने अवगत कराया इस मामले? मैंने कराया, सुबह से शाम तक बैठी रही, मैंने स्लिप भेजी, सुनील पांडे जी ने 6 बजा लिए और 6 बजे के बाद मेरी स्लिप हंसराज सिंह के यहाँ भेज दी। तब से लेके अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हेडक्वार्टर साहब को मैंने फोन लगाया, रात में मेरे घर में पानी भर गया था पूरी तरह, लाइट भी चली गई, चेटे निकल आए। आरआई कृष्णपाल सिंह तोमर से हेड कांस्टेबल मालती पराशर इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने आत्मदाह तक की धमकी दे दी। हमारे ऐसे कैसे चलता होगा, आप ड्यूटी भी कर रही हैं और ये कुछ नहीं कर रहा है, हमारी ये कंडीशन हो रही है। और ये आरआई साहब जो चाह रहे हैं कि जो मर जाए कैसे भी, मुझे ये आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। पुलिस प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी ऐसी क्या गलती है जो मुझे ये इस तरीके से पीड़ित कर रहा है। क्या मांग करती हैं आप पुलिस प्रशासन से, मीडिया की? पुलिस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि एक सैलन सिंह चौहान था हवलदार सिविल लाइन में, उसने अपनी सहमति मुझे दी, अपना क्वार्टर 76 नंबर 16 बीघा में मुझे दिया। और आरआई साहब को जैसे ही पता चला, यादव साहब का ट्रांसफर हुआ उसी रात, एसपी साहब के स्टेनोर रमन साहब उनने अपने भतीजे सूरज को क्वार्टर दे दिया मेरा वाला, और 50 नंबर जो क्वार्टर अभी पड़ा है 16 बीघा में उसकी कहीं कोई अनुकंपा नहीं है श्रीमान। तो मैंने यही कहा था कि तब तक जो अनुकंपा नहीं हुई है तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को लेके गुजर बसर कर लूँगी, जब मुझे मिल जाएगा मैं खाली कर दूँगी। और इसे भी खाली कराने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं श्रीमान। मैं कहाँ जाऊँ कोरोना काल में, कोई मुझे देगा? बरसात में कोई क्वार्टर प्राइवेट आदमी भी होता है वो भी ऐसे बरसात में खाली नहीं कराता, और पुलिस प्रशासन मुझ पर इस तरीके से हावी हो रही है। ऐसा मैंने क्या किया है, मेरे साथ न्याय किया जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब महिला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर इतना किराया नहीं है कि मैं शहर में किराया ले सकूँ। पुलिस लाइन में तैनात आरआई कृष्णपाल सिंह की दबंगई की और भी शिकायतें आती रही हैं। इससे पहले भी एक आरक्षक ने फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके आरआई कृष्णपाल सिंह अपना रुतबा जमाने के लिए आरक्षक और बाकी पुलिस कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इस बार कृष्णपाल सिंह की दबंगई का शिकार महिला हेड कांस्टेबल मालती पराशर हुई है, जो अपना दुख दर्द लेकर आला अधिकारियों तक जा पहुंची है, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मुरैना से NMF न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।